से जुड़े हुए चार अपडेट्स आपके साथ ही वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखें। नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो जुड़ा हुआ है Zydus के साथ। यहां पे Zydus के डीलर ने जो है वो फेज वन एंड फेज टू के ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें अप्रॉक्सिमेटली 1000 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। और अब जो है वो DGCA से फेज थ्री के लिए नो क्लियरेंस की परमिशन का वेट जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे फेज थ्री में वो 30,000 पार्टिसिपेंट्स भी ट्रायल्स परफॉर्म करेंगे। और अब तक उन्होंने जो ट्रायल्स परफॉर्म किए हैं वो मल्टी सेंट्रिक रेंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लासेबो कंट्रोल ट्रायल्स जो है ना वो हुए हैं, जो काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट जो है ना हमें प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं कितने जल्दी DGCA उन्हें फेज थ्री के लिए NOD देती है और कब तक ये वैक्सीन जो है ना मार्केट में आती है। अप्रॉक्सीमेटली इसका अजम्पशन है कि ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में हमें देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते सेकंड अपडेट के साथ जो जुड़ा हुआ औरोबिंदो फार्मा के साथ। यहाँ पे औरोबिंदो जो है हैदराबाद बेस्ड फार्मा कंपनी है, जिन्होंने टाई अप किया है एक वैक्सीन के साथ जिसका नाम है कोवैक्स COVAXX। और यहाँ पे वो वैक्सीन जो है अभी भी फेज वन के ट्रायल्स में, अगर टेक्निकल टर्म्स में बात की तो वैक्सीन का नाम है UP-612। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ जो जुड़ा हुआ है टर्की के साथ। यहाँ पर टर्की ने जो है वो चाइना की वैक्सीन जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और वहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे जो ट्रायल्स हुए थे उसमें से वो 91% जो है इफेक्टिव निकल के आई हुई है। अब यहाँ पे UAE का क्लेम था कि चाइना की वैक्सीन 86% के आसपास एफिशिएंट है, यहाँ पे टर्की का ये क्लेम है कि उनकी वैक्सीन जो है 91% के आसपास इफेक्टिव है। यहाँ पे ऐसा कोई भी क्लेम जो है वो अब तक चाइना ने नहीं किया हुआ है कि हमारी वैक्सीन जो है 50% 60% 70% 90% 95% एफिशिएंट है, ऐसा कोई भी क्लेम जो है वो नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो खुद की कंट्रीज ने डिक्लेयर किया, UAE ने, उसके बाद टर्की ने, लेकिन अब तक एग्जैक्ट एफिशिएंसी का पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है केजरीवाल साहब के साथ। यहाँ पे केजरीवाल जी ने कहा हुआ है कि दिल्ली में 51 लाख लोगों को जो है वो फेज वन के राउंड में जो है वैक्सीन के डोजेस जो है वो लग जाएगी। किसको लगेगी? हेल्थ केयर वर्कर्स को और 50 प्लस एज का जो है उन्हें, और या फिर उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है जिन्हें कोई ऑलरेडी डिसेबिलिटी हो, कोई मेजर डिजीज हो जैसे कि HIV, कैंसर या कोई और मेजर डिजीज हो, उन्हें जो है वो फर्स्ट राउंड में वैक्सीन दी जाएगी। ऐसा रखता हूँ आज का ये अपडेट वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। आया है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करो। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।